अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी क्वाइट वेल। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेसन नंबर 20। दे फाउंड अंटिल दे कुडंट सी ऑफ देयर आईज। वो दोनों लड़ते रहे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गए। देयर नोजेज वर ब्लीडिंग, उनकी नाकों से खून बह रहा था। एंड देयर क्लॉथ्स वर टर्न, और उनके कपड़े फटे हुए थे। जैकल लॉस्ट सो मच दैट ही नियरली डाइड। गीदड़ इतना हंसा कि वो हंस हंस कर लूट फूट हो गया, यानी उसकी हंसी जो थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वेल आर यू सेटिस्फाइड, आस्क्ड द पैट्रिस्ट। तीतर ने पूछा, अच्छा आप तो मुतमईन हो। यू हैव सडनली मेड मी लव, सेड द जैकल। गीदड़ ने कहा, यकीनन तुमने मुझे हंसवाया। बट आई डाउट इफ यू कुड मेक मी क्राई। लेकिन मुझे शुबा है कि तुम मुझे रुला सकते। इट इज ईजी इनफ टू मेक पीपल लाफ। लोगों को हंसाना आसान है, बट इट इज मोर डिफिकल्ट टू मेक देम क्राई। लेकिन उनको रुलाना ज्यादा मुश्किल है। वी शैल सी, सेड द पैट्रिस्ट। तीतर ने कहा, हम देखेंगे। देयर इज अ हंट्समैन विद हिज डॉग्स कमिंग अलोंग द रोड। एक शिकारी अपने कुत्तों के साथ सड़क से आ रहा है। यू क्रीप इन टू दैट होलो ट्री। तुम इस खोखले कमजोर दरख्त में चले जाना, रेंग जाना। एंड वॉच मी, और मुझे देखना। इफ आई डोंट मेक यू क्राई रियल टीयर्स बाई द टाइम आई हैव फिनिश्ड, और उस वक्त के ख़त्म होने तक अगर मैंने तुम्हें रुलवा कर तुम्हारी आंखों से असली आंसू ना बहा दिए, यानी तुम्हारी आंखों से असली आंसू ना निकलवा दिए, यू मस्ट हैव नो फीलिंग इन यू, कि मैं समझूंगा कि तुम्हारे अंदर एहसास नहीं है। द जैकल डिड ही वाज द जैकल डिड एज ही वाज सेड। गिदड़ ने वैसा ही किया। द जैकल डिड एज ही वाज सेड। गीदड़ ने वैसा ही किया जैसे उसे कहा गया था। एंड फ्रॉम द होलो ट्री ही वॉच द पैट्रिज। और वो खोखले दरख्त से तीतर को देखता रहा। हु बिगेन फ्लाइंग अबाउट द ब्रांचेस, जिसने शाखों से इधर उधर उड़ना शुरू कर दिया। अनटिल द डॉग सा हिम, जब तक के कुत्तों ने उसे देख नहीं लिया। Then he flew off to the hollow tree. फिर वो उस खोखले दरख्त की तरफ उड़ा। Where his friend was hiding, जहाँ उसका दोस्त छुपा हुआ था। Of course, the dogs smelled the jackal at once. यकीनन बिला शुबा कुत्तों ने उसे फौरन सूंघ लिया, उसकी बू आ गई। And they made such a noise, और उन्होंने ऐसी आवाज़ निकाली, ऐसा शोर किया, that the huntsman came up, और शिकारी उधर आ गया। And dragged the jackal out by the tail, और उसने गीदड़ को उसकी दुम से घसीटते हुए बाहर निकाला। Then the dog attacked him, फिर कुत्तों ने उस पर हमला किया। एंड टोर हिम, और उसे उसकी चीड़ फाड़ की, उसे चीरा पड़ा। वेन दे
लेफ्ट हिम जब उन्होंने उसे छोड़ा दे थॉट ही वॉज डेड वो समझे कि वो मर गया है बट द जैकल वॉज ओनली प्रिटेंडिंग टू बी डेड लेकिन गिदड़ सिर्फ मरने का बहाना कर रहा था सून ही ओपन हीज आईज जल्दी उसने अपनी आंखें खोली एंड सा द पैट्रिज सिटिंग ऑन द ब्रांच अबव हिम और उसने अपने ऊपर शाख पर एक तीतर को बैठे हुए देखा डिड यू क्राई आज द पैट्रिज तीतर ने पूछा क्या तुम रोए डिड आई मेक यू क्राई क्या मैंने तुम्हें रुलाने पे मजबूर किया रुलवाया बी क्वाइट साइड द पुअर जैकल बेचारा गधा बोला उसने कहा खामोश हो जाओ आई एम हाफ डेड विद फियर मैं खौफ से आधा मरा हुआ हूँ ही ले देयर लिकिंग हिज वाउंड्स वो अपने जख्मों को चाटते हुए लेट गया आफ्टर लिटल टाइम थोड़ी देर के बाद ही बिकेम हंग्री उसे भूख लगी Now you must prove your friendship, he said to Petrich. उसने तीतर से कहा कि अब तुम्हें हमारी दोस्ती को साबित करना चाहिए If you get me good dinner, अगर तुम मुझे शाम का अच्छा खाना खिलाओगे I will admit, तो मैं ये मानूंगा तस्लीम करूंगा that you are a true friend, कि तुम एक सच्चे दोस्त हो Very well, said the पैट्रिज तीतर ने कहा बहुत खूब बहुत अच्छे वॉच मी एंड हेल्प योरसेल्फ उसने कहा मुझे देखो और बिस्मिल्लाह करना व्हेन द टाइम कम्स जब वक्त आ जाए तो तुम बिस्मिल्लाह करना एट दैट मोमेंट उस लम्हे सम वोमेन केम अलोंग ब्रिंगिंग डिनर टू देयर हस्बैंड इन द फील्ड एंड उस समय उस वक्त तो कुछ खवातीन अपने खेतों में अपने खामदों के लिए रात का खाना लाते हुए आई द पैट्रिज बिगेन टू फ्लाई द पैट्रिज बिगेन टू फ्लाइंग फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच विद लिटिल सोरोफुल क्राइज प्रिटेंडिंग टू बी हर्ड तीतर ने एक जख्मी होने का बहाना करते हुए थोड़ी सी गमगीन चीखों के साथ एक शाख से दूसरी शाख तक उड़ना शुरू कर दिया देयर इज माय डियर स्टूडेंट आई हैव टू फिनिश इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन दैट विल बी योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन नंबर 20 नाउ आई एम गिविंग यू टुडेज क्लास वर्क माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू डू योर क्लास वर्क Translation paragraph 1959, its code is 1959, and then you have to do your homework, preposition page number 59, and that you will be do from 1 to 5 preposition words. And there is given, inshallah, these words meaning I will send you on your WhatsApp number first. फर्स्ट वर्ड इज ब्लीडिंग खून का बहना ड्रोन फटे हुए सर्टनली यकीनन हंट्समैन शिकारी वॉच देखना होलो खाली खोखला क्रीप रेंगना ऑफ कोर्स बेशक बिला शुबा ट्रैक मैंने घसीटते हुए घसीटा और प्रिटेंड का मतलब बहाना करना अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स वी विल हैव टू द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर अस्सलाम